नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बिहार पश्चिम चंपारण बेतिया नौतन प्रखंड की श्यामपुर कोतराहा पंचायत के श्यामपुर कोतराहा मोजे गांव में आग लगने से दो परिवार घर पूर्ण रूप से जलकर राख हो गया। घर के मालिक सत्यानंद चौबे और चतुरानंद चौबे के परिवार एवं पिता अपने अपने फुसफुसा के घर में सोए हुए थे, तभी लगभग रात 1:30 पर अचानक आग लग गई और घर जलने लगा। चतुरानंद चौबे के घर के पीछे जटाशंकर पांडे का घर था। जटाशंकर पांडे अपने घर से लगे आग के प्रकाश को देखा, तब जटाशंकर पांडे दौड़कर घर के मालिक पिता परमानंद चौबे को दरवाजा पीटकर जगाने लगे। ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे, घर में आग लग गई। गांव के लोग दौड़कर आग बुझाने लगे। परमानंद चौबे का कहना है कि मेरे घर में अचानक सुबह 8 प्रतिदिन आग लग जाता था। हम लोग प्रतिदिन घर का आग बुझा देते थे। गाँव के लोग के सहयोग से घर बच जाता था। गांव के लोग का कहना है कि यह दैविक प्रकोप है। रात के समय पूजा पाठ हुआ और लगभग मध्य रात्रि के बाद घर जल कर राख हो गई। भूतपूर्व सरपंच अनिल यादव का कहना है कि प्रतिदिन इस घर के लगे आग हम लोग बुझाते थे। यदु युवा अध्यक्ष अजय यादव का कहना है कि लगभग 2 लाख संपत्ति का नुकसान हुआ है। ग्रामीण लोग मौजूद होकर कोतराहा गाँव को आग की लपट से बचा लिए, जिसे गांव जलने से बच गए। नहीं तो कोतराहा घनी बस्ती है, बहुत घर जल कर राख हो जाते। गांव के लोग परमानंद चौबे के परिवार के खाने पीने की वस्तु दिए। वानी ये घर क्या जरल जानकारी बोल रुआ ना जानकारी तो 8 दिन से होत रहल सो, लेकिन ये जोन जानकारी बात कल रात पूजा हुआ भगवे श्रावण में चढ़ हुए कि जे के दैविक उपद्रव बा शांत हुई, लेकिन हर दिन 8 से 9:30 तक जर जाई लग जाई बुता दिए जाई सब कुछ हो जाई। माने कितना दिन से जर तर लख घर? 8 पहले से मैं आग 8 पहले से आग लगत लख, आग लागे ओकर बुता दे जाई, बुता दे जाई। ओकर बाद मैं मान ले रात साफ जर गई, रात साफ जर गल की जे कि जानन ला ई रोज होत ल 8 बजे आए पर 1:30 बजे रात में। तो रुआ कैसे जानने की माने हमरा घर में आग लागल? लोग चिल्लाई, लोग चिल्लाई। अच्छा ठीक, हम अब के जाके देख के चारों बुरी जे उ तो नहीं कहीं गिरल रोल जी, तो ओकर के देख लनी ना कहीं हमरा सर्च में मिलल। हम आग अब के उठूंगा तनी तो तक जे बस 1:30 माय सती ले ले हेलो चिल्लाई ले उन्हें कुछ आइलो। राव नाम का परी नाम बताइए अपन? मेरा नाम परमानंद चौबे जी। यह परमानंद चौबे जी है और इनका घर है जो जल करके राख हो गया है। इसमें कम से कम 2 लाख की संपत्ति बर्बाद हुई है और जो ये सोए हुए थे तो आकर के ग्रामीणों ने जगाई। ये लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे घर में कब आग लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? सरताज मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ढका। क्या समस्या है आपकी? समस्या जो है 700 कुछ कार्ड बने हुए हैं जी, और नाम आया है सिर्फ 200 कुछ आदमियों का। अच्छा हाँ भाई, 200 आदमी काम कर रहे हैं, बाकी के 500 आदमी जो है उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। रोजगार भी ना मिल रहा हो, ना गल्ला फ्री मिल रहा हो, ना उसमें नाम है, ना कोई हाजिरी चढ़ाए रहो उस पर जॉब कार्ड पर। रोजगार सेवक आपकी हाजिरी नहीं चढ़ाता जॉब कार्ड पर? जॉब कार्ड बना चढ़ रही। क्या नाम है भैया आप? हबीब अहमद। कहाँ के रहने वाले? मुल्ला ढका के। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये साहब है कि जनता को भरपूर काम नहीं मिलता है, 4 साल भरे में 8 दिन काम नहीं मिलता है, हाजिरी जॉब कार्ड में नहीं चढ़ती हैं, पैसे खाते में जाते नहीं, इससे जनता परेशान रहती है। आप सदस्य है वार्ड? जी, वार्ड नंबर 4 का, ढका ग्राम पंचायत के। आपने रोजगार सेवक को बोला कि हमारे जॉब इन सबके जॉब कार्ड पे दिहाड़ी चढ़ाई है? देखिए ग्राम रोजगार सेवक से कई बार कही भी, लेकिन आदमी कौन सुनता किसकी, कोई नहीं सुनता।